हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पीनेस व्लॉग विद हैप्पी शर्मा। आज हैप्पी शर्मा फिर से आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाया जिससे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सके और आपके फेस में स्माइल आ सके। सो, आज का टॉपिक है कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। अगर लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसा क्या करें कि लोग आपकी वैल्यू करने लग जाए और आपकी कदर करने लग जाए। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने आया हूँ और आपको एडवाइस करने आया हूँ ताकि आपकी लोग वैल्यू करें और आपकी कदर करें और आपको भी इम्पोर्टेंस देने लग जाए लोग। उसके लिए आपको 2, 4, 5, 6 ऐसी एडवाइस मैं आपको दूँगा। अगर आप वो करेंगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी और लोग आपको वैल्यू देने लगेंगे। सबसे पहले तो आपको करना है कि हमेशा ऑलवेज अवेलेबल नहीं रहना है। जैसे कुछ बार होता है कि हम हमेशा किसी इंसान के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। किसी की ज़रूरत हुई, रात को हुई, दिन में हुई, शाम को हुई, जब भी ज़रूरत होती है हम उसके लिए अवेलेबल रहते हैं, चाहे फ़ोन पे, चाहे फिज़िकली, कैसे भी अवेलेबल रहते हैं। हमें नहीं रहना है कि कभी रात को उसको ज़रूरत है, हम रात को निकल गए, उसे दिन में ज़रूरत है, दिन में निकल गए, ऑफिस में तो ऑफिस के लिए निकल गए, उसे बात करने लगे। ऑलवेज आप किसी भी बंदे के लिए अवेलेबल रहेंगे तो बंदा या बंदी आपकी कदर नहीं करेगा। उसको लगेगा तो वेला इंसान है। उसको भी अपने टाइम की कदर आप कराइए कि हम भी, हमारा टाइम भी हमारे लिए वैल्यू रखता है। पहले हम अपना काम निपटाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं। मतलब ऑलवेज अवेलेबल नहीं रहना। जितना आप किसी को हद से ज़्यादा टाइम देंगे, हद से ज़्यादा उसके लिए अवेलेबल रहेंगे, तो वो बंदा या बंदी आपकी कदर कभी भी नहीं करेगा। हमेशा ये बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। मेन बात मैंने आपको यही बताई है। पहली एडवाइस मेरी सबसे यही है कि ऑलवेज अवेलेबल नहीं रहना। थोड़ा अपनी भी रिस्पेक्ट करिए, अपने टाइम की रिस्पेक्ट करिए। किसी की हेल्प करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। किसी के काम आना बहुत अच्छी बात है। किसी की हेल्प लेने से अच्छा ना, अगर आप किसी के काम आ रहे हैं तो सोचिए भगवान ने आपको उन लोगों में डाला हुआ है जो कि आप लोगों की हेल्प करें, ना कि हेल्प लें। तो इस खुद को लकी समझिए। अच्छी बात है किसी की मदद करना, लेकिन ऑलवेज अवेलेबल रहना और वहाँ रहना जहाँ आपको कदर नहीं हो रही है। इसलिए सोच समझ के अपना टाइम को इन्वेस्ट करिए। ऐसे इंसान को टाइम दीजिए जो आपकी कदर करता है, आपकी वैल्यू करता है। ऐसे इंसान को नहीं जो आपकी कदर नहीं कर रहा और उसके लिए आप ऑलवेज अवेलेबल है। तो ऐसी गलती कभी मत करिए। मेन बात आपको मैंने बता दी पहली एडवाइस कि ऑलवेज अवेलेबल नहीं रहना। और दूसरी एडवाइस ये है कि कभी भी अपनी बुराइयाँ, अपनी वीकनेस हर किसी को मत बताइए। मतलब आपके अंदर क्या बुराइयाँ है, आपके अंदर क्या वीकनेस है, ये चीज़ किसी को मत बुराई है। क्योंकि आप अपनी बुराइयाँ बताते रहेंगे, उसके माइंड में ये आएगा यह बंदा ऐसा है, ऐसा ऐसा, वो आप कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसलिए कभी भी अपनी बुराइयाँ किसी को मत बताइए कि आपने मतलब ये गलत काम किया हुआ है, आपने ये किया हुआ है, आपसे ये मिस्टेक हुई है। मतलब बुराइयाँ अपनी कभी भी किसी को मत बताइए। अगर आप किसी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, कोई एडवाइस चाहिए तो बता सकते हैं, लेकिन ट्राई करिए कभी भी हर किसी को अपनी बुराइयाँ मत बताइए। दूसरी एडवाइस मैंने आपको ये बता दी। पहली मैंने बताई है कि ऑलवेज अवेलेबल मत रहिए, और दूसरी अपनी बुराइयाँ किसी से मत करिए। अपनी बुराइयाँ, अपने बुरे काम, अपने बुरे कर्म किसी से, हर किसी से शेयर मत करिए। और तीसरी एडवाइस, रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट योर वर्क। आप जो भी है, जैसे भी, अपनी रिस्पेक्ट करिए, अपने काम की रिस्पेक्ट करिए। क्योंकि आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कोई इंसान आपकी रिस्पेक्ट कैसे करेगा। इसलिए अपनी रिस्पेक्ट करिए। आप जैसे भी हैं, आप अपने आप को अच्छा समझिए, लोगों को भी बताइए आप अच्छे हैं। आप अच्छा बनेंगे, लोगों को अच्छा बताएंगे और अच्छा बन के रहेंगे, तो तभी आपके लोग रिस्पेक्ट करेंगे। तो रिस्पेक्ट करिए खुद की, अपने काम की। आप जो भी काम करते हैं उसकी रिस्पेक्ट करिए। ये नहीं आप उसकी बुराई करने लग जाए, और अगर आप ही उसकी बुराई करेंगे, दूसरा इंसान आपके काम की रिस्पेक्ट कभी नहीं करेगा, क्योंकि ये काम आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। तो इसलिए अपने काम की और अपनी रिस्पेक्ट करिए। मैंने आपकी पहली बात आपको बता दी कि ऑलवेज अवेलेबल मत रहिए, और दूसरी बात बता दी कि अपनी बुराई कभी किसी से मत करिए, और तीसरी एडवाइस मैंने आपको बताई कि रिस्पेक्ट करिए खुद की और अपने काम की। अब चौथी एडवाइस मेरी आपको बस यही है कि आप आर्गुमेंट मत करिए। कभी भी फालतू के होते हैं ना कि कोई टॉपिक मिला नहीं, जैसे डिबेट करने लग जाए, आर्गुमेंट करने, फालतू के आर्गुमेंट करके अपना टाइम वेस्ट मत करिए। फालतू टाइम जितना आप वेस्ट करेंगे, इतना फालतू का जितना टाइम वेस्ट करेंगे, उतनी आपकी कोई वैल्यू नहीं समझे। उसको लगेगा इंसान वेला है, हमें आर्गुमेंट करने लग जाता है, हमें सब आर्गुमेंट करने लग जाता है, फालतू की डिबेट करने लग जाता है। इसलिए फालतू के आर्गुमेंट करके किसी के सामने या किसी से बिल्कुल मत करिए। अगर आप फालतू के आर्गुमेंट करेंगे, कोई इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझेगा, लगे इस बंदा वेला है, इसकी कोई मतलब इसका कोई टाइम की इसको कदर ही नहीं है।
वो इंसान आपकी कभी भी वैल्यू नहीं करेगा। तो इसलिए फालतू का आर्गुमेंट या डिबेट बिल्कुल मत करिए। अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, आपको अपनी कदर करवानी है, तो किसी फालतू के आर्गुमेंट बिल्कुल मत करिए। चार चीज़ मैंने आपको बता दी, और पांचवी चीज़, कभी गॉसिप्स मत करिए, कभी बुराई मत करिए, कभी किसी से किसी की बुराई मत करिए। अगर आप कभी किसी से बुराई करेंगे तो दूसरा बंदा आपकी कदर कभी नहीं करेगा, चाहे वो आपके हाँ में हाँ मिला रहा होगा, लेकिन अंदर से आपकी रिस्पेक्ट उसकी नज़रों में गिर रही होगी। अगले बंदा क्या बंदा है या क्या बंदी है, क्या बुराई 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 नेगेटिविटी फैलाते रहता है, इसलिए वो बंदा आपसे डिस्टेंस बना लेगा। इसलिए ऑलवेज कभी भी किसी की बुराई मत करिए, किसी से भी बुराई मत करिए। मैं तो ये कहता हूँ कभी खुद से भी किसी की बुराई मत करिए, क्योंकि बुराई से नेगेटिविटी आती है, नेगेटिविटी से आप दूर रहिए, ये बुराई मत करिए। पाँच चीज़ आपको बता दी, पहली मैंने आपको बताई कि ऑलवेज अवेलेबल मत रहना, दूसरी मैंने आपको एडवाइस दी कि कभी भी खुद की बुराई किसी से मत करिए, कभी भी खुद की बुराई किसी से मत करिए, अपने वीक पॉइंट मत बताइए। और तीसरी, रिस्पेक्ट यूर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट यूर वर्क, अपनी रिस्पेक्ट करिए, अपना जो भी आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करिए। और चौथी मैंने आपको बताई कि फालतू के आर्गुमेंट मत करिए, फालतू के आर्गुमेंट कभी किसी से नहीं करने। और पांचवी मैंने आपको एडवाइस दी कि कभी भी गॉसिप्स नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी, कभी भी किसी की बुराई किसी से नहीं करनी, खुद से भी नहीं करनी। और छठी और मेन सबसे बेस्ट एडवाइस मैं आपको ये देना चाहूँगा कि किसी से भी मिले विद रिस्पेक्ट, मिले विद लव, मिले मतलब आप किसी से भी मिल रहे हैं तो बहुत प्यार से मिले, बहुत रिस्पेक्ट के साथ मिले। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो वो बंदा भी आपको ना चाह कर भी रिस्पेक्ट देगा, और आप किसी को वैल्यू देंगे तो वो बंदा भी आपको वैल्यू देगा। तो ये रिस्पेक्ट से मिलिए, प्यार से मिलिए, विद स्माइल करके मिलिए, देखिए कि वो बंदा आपको वैल्यू कैसे नहीं देता है। अब ये छः एडवाइस जो मैंने आपको दी है, अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि दूसरा बंदा आपको वैल्यू ज़रूर देगा। आप खुद आजमा के देखिए इस चीज़ को। छः एडवाइस मैंने दी है, प्लीज़ नोट करिए और अपने माइंड में नोट करिए, कहीं कॉपी पेन से नहीं लिखिए, माइंड में नोट करिए और आजमा के देखिए आपकी लाइफ बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं। सो गाइज, अगर मेरी एडवाइस आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर आप बताइए। और मेरे चैनल पे जो अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोग अपनी वैल्यू बढ़ा सके और अपनी लाइफ चेंज कर सके, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस ला सके। सो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिससे आपके फेस में स्माइल आ सके और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सके। सो टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल।